बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज किन्स वर्ड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया है। आज मैं डिस्कस करूंगी एक यूनिक बग के बारे में जिसे कहते हैं सिकेडा। जी हाँ व्यूअर्स, सिकेडा या सिकेडेडिया, दिस इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ मेडिकल टर्म। ये एक ऐसा ब्यूटीफुल, यूनिक और साथ में लिटिल वीर्ड एक अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो कि हर 13 से 17 ईयर्स के बाद जमीन से नमोदार होती है। अभी जो स्क्रीन पर आप ब्लू कलर का सिकेडा देख रहे हैं, ये पूरे 17 ईयर्स के बाद नमोदार होगा। इसे आप मिलियन ऑफ मिलियंस की तादाद में हर तरफ आउटसाइड अपने इर्द गिर्द बैकयार्ड, पार्क या ओपन स्पेस में देख सकेंगे जहाँ दरख्त, पौधे, ग्रीनरी वगैरह होते हैं। अब आ जाते हैं इनकी अफजाइश की तरफ। ये इसलिए जमीन से निकलते हैं क्योंकि कई सालों पहले ये अपना एग ट्री के नीचे मिट्टी में दबा चुके होते हैं जब टेम्परेचर 59 फारेनहाइट और इसके आसपास होता है। इनकी लाइफ हार्डली 4 to 6 वीक्स की होती है। ये आपके बुशेस, ट्रीज और फ्लावर या किसी भी फोर एवर प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये दुनिया के कुछ मुमालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके और अफ्रीका के चंद मकामात पर पाए जाते हैं, मगर यहाँ यूएस में ये स्प्रिंग के अवाखिर में स्टार्ट लेंगे और मई से सितंबर के दरमियान लाखों की तादाद में देखेंगे। यूएस में ये 15 और शायद कुछ और स्टेट्स में नजर आए। वैसे सो फार न्यूज के हिसाब से डेलावेयर, इलिनॉय, केंटकी, इंडियाना, मेरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो, टेनेसी, पेंसिल्वेनिया, वेस्ट वर्जीनिया, वाशिंगटन डीसी एंड वर्जीनिया, जहां ये आपको पार्टी करते नजर आएंगे। वैसे तो सिकेडा एनुअली भी होते हैं जो कि अराउंड द ईयर निकलते रहते हैं, मगर इनकी तादाद कम होती है और आप कभी कभार ये आवाज़ सुनते ही रहते हैं। मगर ये स्पेशल किस्म का सिकेडा जो कि 17 ईयर्स के बाद ही विजिबल होता है। ये साइज में तो 2 से 4 इंच तक बड़े होते हैं। इनकी आईज बड़ी और वाजे होती है और साइड पर शॉर्ट एंटीना होता है। ज्यादातर सिकेडास दिन के टाइम ही नजर आते हैं और अब बहुत कम तादाद होती है जो रात को उड़ते फिरते या आवाज निकालते नजर आते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स में कंफ्यूजन भी सॉल्व करती चलूं कि कुछ लोग कहते हैं कि सिकेडा इज लाइक अ टेडी डल जो हम पाकिस्तानी अराउंड एशियन कंट्री में देखते हैं, मगर ये टेडी डल नहीं है। टेडी डल आपने देखा होगा कि बहुत लाइट वेट नजर आते हैं और आई थिंक उससे फसलों की तबाही भी आती है, मगर सिकेडा से ऐसा कुछ नहीं है। ये हाई फ्लाई करते हैं और ये इनके शेल भी काफी हार्ड होते हैं। अब आते हैं सिकेडा की लाउड वॉइस की तरफ जो कभी कभार नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इनकी आवाज कभी कभी तो ट्रैक्टर या लॉन मोर की आवाज या वैक्यूम किसी फील होती है। तहकीक के मुताबिक इस आवाज को सॉन्ग कहते हैं। ये मेल सिकेडास अपनी आवाज को यानी लाउड सॉन्ग्स को फीमेल सिकेडा को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसको मैटिंग कॉल करते हैं। बहुत से लोग किड्स स्पेशली इससे प्ले भी करते हैं क्योंकि ये बहुत यूनिक होता है और कई सालों पे देखने को मिलता है। इसी तरह कुछ लोग इसे खाते भी हैं क्योंकि ये लो फैट हाई प्रोटीन स्नैक है। जैसा कि अब आपको पता ही है कि इनकी एज सिर्फ 4 to 6 वीक की ही होती है, तो मरने के बाद इनकी बॉडी नाइट्रोजन रिलीज करती है जो हमारे दरख्त वगैरह को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जी हाँ, कोई भी चीज़ बेकार नहीं। अल्लाह की हर मखलूक किसी न किसी काम ज़रूर आती है। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें और वेट करें कि जब मैं कुछ सिकेडास अपने बैकयार्ड से लाइव रिकॉर्ड कर सकूँ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।